नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनमोहन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये म्यूजिकल रिदमिक लाइट्स बनाना सिखाऊंगा। ये जो लाइट्स है ये म्यूजिक की बीट्स के ऊपर ग्लो करती है और इसका यूज़ हम कर सकते हैं पार्टी लाइट्स के रूप में या डिस्को लाइट्स या किसी भी डेकोरेशन के रूप में इसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जो सर्किट हम आज बनाने वाले हैं वो म्यूजिकल लाइट्स का है। तो जो म्यूजिकल लाइट्स है डेफिनेटली म्यूजिक वेव के ऊपर, ऑडियो वेव के ऊपर वर्क करेगी। तो जो वेव होती है वो एक ऑक्सिलरी जैक के थ्रू हम लेंगे। 3.5 mm का ये ऑक्सिलरी जैक है। इसमें तीन पॉइंट होते हैं, तो आप देख सकते हैं पहला पॉइंट जो है ये लेफ्ट ऑडियो, ये बीच वाला राइट ऑडियो और ये ग्राउंड। ओके, तो बेसिकली यहाँ से जो है एट द एंड यहाँ से तीन वायर आते हैं, लेफ्ट राइट और ग्राउंड। ओके, तो हम कोई एक पॉइंट यूज़ करेंगे जो कि लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने लेफ्ट जैक लिया है, लेफ्ट चैनल यूज़ किया है, तो इसमें हाई और लो दोनों पल्स आ रही है। ओके, तो हम जो ट्रांजिस्टर यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो है NPN। ठीक है, तो हम केवल हाई पल्स को यूज़ करेंगे। तो जो भी पल्स हाई आएगी, ठीक है, जो पॉजिटिव पल्स आएगी हर एक वेव में, उसके थ्रू हमारा जो ये NPN ट्रांजिस्टर है BC547, बहुत ही कॉमन टाइप का ट्रांजिस्टर है दोस्तों, ये आपको आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही लो प्राइस में मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर है। तो जो भी हाई पल्स आएगी उस पर हमारा ये NPN ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और ऑन होते ही जो भी एमिटर पे सप्लाई दी है हमने ग्राउंड, वो कलेक्टर पे मिलना शुरू हो जाएगी। ओके, और जैसी पल्स आएगी, मतलब हल्की पल्स आई तो केवल थोड़ा सा ही ग्राउंड नेगेटिव सप्लाई ऊपर जाएगा, और अगर बड़ी पल्स आई है तो ज़्यादा सप्लाई ऊपर जाएगी, मतलब ज़्यादा अमाउंट में ग्राउंड ऊपर जाएगा। तो उस तरह से जो लाइट है हमारी उसकी लुमिनसिटी जो होती है, उसका ग्लो जो होता है वो कंट्रोल होएगा। ओके, तो जैसा कि हम समझ सकते हैं यहाँ पर हमारा ये ट्रांसिस्टर है और इसमें जैसे हम ये वेव लगाते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए ये वाली पल्स ली है तो ये ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो जैसे ये हाई पल्स आएगी, जहाँ लो रहेगा वहाँ पर ही हमारा ट्रांसिस्टर ऑफ रहेगा। ठीक है, आगे जाके मैं आपको ऐसा बनाना भी बताऊंगा जिसके अंदर हम NPN ट्रांसिस्टर लेके नीचे वाली पल्स को भी यूज़ करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ जो हम म्यूजिकल लाइट्स बना रहा हूँ उसके अंदर हम केवल हाई पल्स को यूज़ करेंगे। तो जैसे हाई पल्स आएगी हमारी लाइट ग्लो करेगी। ओके, और जिस अमाउंट में हाई पल्स आएगी, क्योंकि हाई पल्स भी आप देख सकते हैं उसमें अलग अलग रेंज की थी, तो अलग अलग रेंज के आने पर अलग अलग ग्लो ये हमारा सर्किट देगा। ओके, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और सर्किट बनाने की ओर चलते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको केवल एक सिंपल ट्रांजिस्टर का सर्किट नहीं बनाना सिखा रहा हूँ, मैं आपको आगे तक की जो भी पॉसिबिलिटीज़ है, किस किस प्रकार के हम बना सकते हैं डिस्प्ले लाइट्स, जो म्यूजिकल लाइट्स है, वो सभी मैं इसमें आपको पॉसिबिलिटीज़ बता दूंगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने 12 वोल्ट का एक बैटरी लिया है। तो 12 वोल्ट का बैटरी और हमारा ट्रांजिस्टर, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 6 वोल्ट से अगर ज़्यादा देते हैं इसको तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है। तो अब हम 12 वोल्ट पे कैसे देंगे बता रहा हूँ मैं आपको। हम एक्चुअल में 12 वोल्ट में देंगे, लेकिन 12 वोल्ट हम ट्रांजिस्टर को नहीं देंगे, ट्रांजिस्टर के बेस पर हम यहाँ से ऑक्सिलरी आउट जो आएगा वो देंगे। ठीक है, तो ऑक्सिलरी आउट में दोस्तों क्या होता है कि दो वायर्स हम लेके आएंगे, एक ग्राउंड वाला और एक कोई भी लेफ्ट या राइट चैनल। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एमीटर है, एमीटर को हमें करना होता है ग्राउंड। ओके, तो एक ब्लैक वाला वायर हमने लिया है इसमें से और उससे एमीटर को कनेक्ट किया है, और यहाँ से जो ऑक्सिलरी में जो नेगेटिव आएगा वो हम इस ट्रांजिस्टर से यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ओके, ठीक, और अब यही नेगेटिव जो है हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे आगे जाकर, और यहाँ से जो यहीं पर ऑक्सिलरी में कोई भी एक चैनल का पल्स आएगा, ठीक है, कोई भी एक चैनल हमने चूज़ किया, लेफ्ट वाला या राइट वाला कोई भी आप ले सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार, उसको हम देंगे इस ट्रांजिस्टर के बेस पर। ठीक है, तो यहाँ ट्रांजिस्टर के बेस पर जो भी हमने चैनल इनपुट दिया है उसमें हाई और लो दोनों आएगा, तो जब भी हाई आएगा तब हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होगा। ठीक है, लो आने पर भी हम दूसरा PNP ट्रांजिस्टर ऑन करेंगे, लेकिन वो आगे आने वाले किसी वीडियो में आपको बताऊँगा, फिलहाल हम केवल इसमें हाई पल्स को यूज़ करके ये सर्किट बना देंगे। तो हमने ये बैटरी लिया और अब बैटरी का नेगेटिव आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा ट्रांसिस्टर के बेस पर, सॉरी नॉट बेस पर, कहाँ पर, ट्रांसिस्टर के एमिटर पर, जो ये ब्लैक वायर है।
जहाँ पे ऑक्सिलरी का ग्राउंड भी कनेक्ट किया है वहीं पे हम ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल भी कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार बहुत ही सिंपल सर्किट है दोस्तों, केवल एक ट्रांसिस्टर को लेकर मैंने पूरा वीडियो बना दिया है, जिससे एक म्यूजिकल डिस्प्ले लाइट्स हम बना देंगे, लेकिन ये एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ मैं वीडियो की। ओके, तो इसमें कई सारे वीडियोज होंगे, अलग अलग टाइप के इक्वलाइजर डिस्प्ले में आपको बनाना सिखाऊंगा। तो फिलहाल हमने ग्राउंड जो है वहाँ कनेक्ट कर दिया, और बैटरी का जो पॉजिटिव है वो हम एलईडी स्ट्रिप के पॉजिटिव में डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। तो ये एलईडी स्ट्रिप है, और एलईडी स्ट्रिप का ये पॉजिटिव सिरा है, और इससे हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कलेक्टर पर एलईडी स्ट्रिप के दूसरे सिरे को कनेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ से भी एक वायर एक्सटेंड करेंगे ब्लैक कलर का, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज ही आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक वायर लेते हैं और इसे एक्सटेंड करते हैं यहाँ तक जाने के लिए। तो यहाँ हमारा सर्किट जो कंप्लीट हो गया। इवन हम ना कोई कैपेसिटर यूज़ किया है, ना कोई रेसिस्टर यूज़ किया है, सिंपल एक ट्रांसिस्टर को लेकर हमने रिदमिक लाइट्स बना ली है। ओके, और यहाँ हमारा सर्किट जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब आप बिल्कुल इसको यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बिल्कुल भी कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 12 वोल्ट पे सर्किट वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो ऑडियो जैक है, ऑक्सिलरी जैक है, इसमें आपको वोल्टेज नहीं दिखाई देंगे। तो आप आराम से इसको अपने पीसी में लगाइए, अपने मोबाइल में लगाइए, कोई हार्म नहीं होगा किसी भी डिवाइस को। ओके, तो जैसे हम इसको इस ऑडियो जैक को हम लगाएंगे हमारे स्पीकर सेट में, तो ये रिदमिक लाइट्स ग्लो करना शुरू हो जाएगी। हमने जो है NPN ट्रांसिस्टर यूज़ किया है, जो केवल पॉजिटिव पल्स पे यहाँ वर्क कर रहा है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको PNP ट्रांसिस्टर भी यूज़ करना सिखाऊंगा, जिससे नेगेटिव पल्स पर भी हम, यानी कि एक ही चैनल के ऊपर, हम सिंगल चैनल के ऊपर पॉजिटिव पल्स पर भी एक लाइट ग्लो करेंगे और नेगेटिव पल्स पर भी लाइट ग्लो करेंगे। तो ये इक्वलाइजर की दो लाइन हो जाएगी, मतलब ये म्यूजिकल डिस्प्ले इक्वलाइजर आएगा और उसकी दो लाइन दो रो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और हम ऐसा डबल चैनल पर भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल चैनल पर NPN PNP और डबल चैनल पर भी NPN PNP, मतलब टोटल चार चैनल का इक्वलाइजर हम बना सकते हैं यहाँ पे LED का। ठीक है, जो कि एक बार ग्राफ रहेगा और म्यूजिकली डांस करेंगी वो लाइट्स। तो इस तरह के हम बना सकते हैं। आगे वाले आने वाले वीडियोस में आपको इस तरह का मैं आपको सर्किट बनाना सिखाऊंगा। आई होप मैंने जो समझाया आपको पूरा क्लियर हुआ होगा, और देखते हैं कि ये सर्किट जो बनाया किस तरह से ये रिदमिक लाइट्स ग्लो करती है। आइए, जाकर आपको सिखाऊंगा किस प्रकार हम एक LED क्यूब के अंदर डांसिंग म्यूजिकल बार ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और नहीं किया है तो कीजिए ना, एक बटन ही तो दबाना है, और लाइक बटन दबाकर मुझे कमेंट्स जरूर करें आप। और जो वीडियो सीरीज में बनाने वाला हूँ ये म्यूजिकल डिस्प्ले लाइट्स के ऊपर, इसमें कम से कम 8 या 10 वीडियोज होंगे जो कि अलग अलग टाइप की रिदमिक लाइट्स बनाना आपको सिखाएंगे। तो प्लीज Stay tuned. Have a good दोस्तों, मैं जानना चाहूंगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। प्लीज डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।